नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा एरोक्स 155 स्कूटर के बारे में, और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसी है ये स्कूटर, कैसे स्कूटर के लुक्स होने वाली है और किस प्राइस रेंज में ये स्कूटर आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी, और गाइस क्या आपको स्कूटर से माइलेज मिलेगी और क्या मिलेगी आपको स्कूटर से टॉप स्पीड। तो गाइस इन्हीं सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और गाइस आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बिना आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू। तो गाइज ये हमारे सामने यामाहा एरोक्स 155 सीसी का स्कूटर है, और गाइज इस स्कूटर का लुक यार काफी प्रीमियम है, और फ्रंट से स्कूटर का लुक कुछ इस तरह का है। फ्रंट में आपको ट्विन एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलती है, और गाइज रियर में आपको एलईडी टेललाइट देखने को मिल जाती है। और जो ये स्कूटर है वो मार्केट में तीन कलर में अवेलेबल होने वाली है, जो की है ब्लैक, रेसिंग ब्लू और वाइब्रेंट ऑरेंज। तो गाइस जो यामाहा एरोक्स 155 सीसी का स्कूटर है वो यार काफ़ी प्रीमियम स्कूटर है यामाहा की ओर से, और गाइस इस स्कूटर के अंदर सेम इंजन आता है जो भी यामाहा R5 वर्जन 3 के अंदर आ रहा है, और इस इंजन को गाइस स्कूटर के हिसाब से डीट्यून किया है ताकि आपको बेहतर माइलेज और एक स्मूथ थ्रॉटलिंग एक्सपीरियंस मिले। और इस स्कूटर के अंदर आता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 14.89 एचपी की मैक्सिमम पावर और 13.8 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। और इस स्कूटर का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो रहने वाली है मात्र 4.6 लीटर की, और गाइज आपको इस स्कूटर के अंदर 25 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाएगा। बात करें गाइज माइलेज फिगर की, तो गाइज जैसे कि स्कूटर है वो थाईलैंड में लॉन्च हो चुकी है, तो के मॉडल के हिसाब से स्कूटर का 40 प्लस के आसपास का माइलेज होने वाला है। और टॉप स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आर से भी ज्यादा होने वाली है, वो डिपेंड करता है गाइस आपके राइडिंग कंडीशन के ऊपर। और जो ये स्कूटर है वो आपको ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के साथ देखने को मिलेगा, और गाइस जो स्कूटर का फ्रेम है वो बिल्ट हुआ है अंडरबोन डिजाइन के ऊपर। बात करें स्कूटर के सस्पेंशन सेटअप की, तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन, और आपको रियर में देखने को मिलेंगे यूनिट स्विंग आर्म सस्पेंशन। और गाइस स्कूटर के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। और सेफ्टी को माइंड में रखते हुए आपको स्कूटर के अंदर सिंगल चैनल एबीएस एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर भी देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं गाइस स्कूटर के टायर की, तो गाइस इस स्कूटर के आपको फ्रंट और रियर में 15 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे विद अलॉय व्हील्स, और जो फ्रंट टायर की विड्थ रहेगी वो रहेगी 110 mm की, और जो रियर टायर की विड्थ रहेगी वो रहेगी 140 mm की। और गाइस लुक स्कूटर का कैसा लग रहा है वो आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। तो गाइस अब चेक करते हैं कि यार कैसा है स्कूटर का एग्जॉस्ट। तो गाइस बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप अपने हेडफोन लगा लो। और गाइस कुछ इस तरह का कंसोल है स्कूटर का, और इस कंसोल के अंदर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, क्लॉक, एबीएस लाइट, साइड स्टैंड अलार्म, माइलेज फिगर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने कंसोल के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा गाइस आप यामाहा ऐप का यूज करके अपने फोन को स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, और कॉल रिसीव फंक्शन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ऐसे बहुत सारे फीचर्स भी आपको इस कंसोल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अब चेक करते हैं कि यार इस स्कूटर के डायमेंशन क्या क्या होने वाले हैं। तो जो भी स्कूटर के डायमेंशन है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। तो गाइस अब बात करते हैं कि यार क्या इस स्कूटर का प्राइस रहने वाला है। तो गाइस जो स्कूटर का शोरूम प्राइस है वो लगभग 75,000 से लेके 80,000 के बीच में होने वाला है, और ये आपका स्टेट टू स्टेट भी वेरी करेगा। और गाइस जो स्कूटर है वो मार्केट में अप्रिला SR150 और TVS Ntorq इस प्राइस रेंज में यार
कड़ी टक्कर देने वाला है। और मुझे लगता है गाइस अप्रिला SR150 और TVS Ntorq इस स्कूटर से जीत पाएंगे, क्योंकि गाइस स्कूटर का लुक यार काफी अच्छा और आपको बहुत सारे फीचर्स इस स्कूटर के अंदर देखने को भी मिल जाते हैं। और गाइस अगर आप इस स्कूटर के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी है, वहां पर जाके आप इस स्कूटर के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और गाइस जो स्कूटर है वो दिसंबर के मंथ में यार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। और गाइस कैसे लगा आपको मेरे ये वीडियो यार प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और गाइस ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।